गुड मॉर्निंग, नमस्कार, नमस्ते, सत श्री अकाल, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप लोग बहुत अच्छे हो, आपके ध्यान रख रहे हो, पॉजिटिव हो और आप लोगों ने पूजा में बहुत एंजॉय किया। हम भी अच्छे हैं, हम लोगों ने भी पूजा बहुत एंजॉय किया इतने दूर बैठ के भी। तो आज के टॉपिक में जाने से पहले आपने हमें सब्सक्राइब किया, अगर नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, आपके दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर कर दीजिए, पास में जो बेल आइकन है वो प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी मैं नया वीडियो डालूँ तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन चले आए। तो देखते हैं आज के टॉपिक क्या है। आपको भी फटे एरिया की परेशानी है तो बिल्कुल मत घबराइए, ये ट्राई कीजिए, ये आपको हेल्प होंगे। विंटर का ये, समर का ये फटे एरिया कभी अच्छे नहीं लगते हैं, कभी कभी तो फटे एरिया से आपको बहुत दर्द भी होते हैं। तो फटे एरिया क्यों होते हैं, बहुत सारे कारण हैं इसके। जैसे अगर कम पानी पीते हो, बहुत सारे हेल्थ डिजीज के कारण जैसे डायबिटीज़ का, या अगर आप अच्छी तरह से फूड के केयर नहीं करते हो और विटामिन ई की कमी से होते हैं, बहुत सारे न्यूट्रिशन की कमी से होते हैं। बट आप ये ट्राई करो, ये आपको हेल्प करेंगे। सो लेट्स गो। एक आलू को अच्छी तरह से धो के उसको ग्रेट कर लेना, ग्रेट करके उससे छन्नी के थ्रू से सारे जूस निकल लेना। जूस के अंदर फिर हाफ लेमन जूस डाल देना, हाफ लेमन लेके हाफ लेमन जूस डालना। उसके बाद वो दाने निकल लेना, फिर उसके अंदर 1 टीस्पून सॉल्ट देना, अच्छी तरह से मिला लेना। फिर टूथपेस्ट जो आप यूज़ करते हो, 1 टीस्पून टूथपेस्ट देना, उसको अच्छी तरह से मिला के ऑर्गेनिक हनी देना है 1 टीस्पून। फिर उसको अच्छी तरह से मिला के जो हाफ नींबू आपने रखा था उसको अंदर डाल के ऐसे करके फिर आपके जो एरिया फटे हुए हैं वहाँ पर 4-5 मिनट तक अच्छी तरह से मैसेज करना। फिर आधे घंटे तक वैसे ही रहने देना। लेमन और सॉल्ट आपके स्किन में पीलिंग की तरह काम करते हैं। लेमन और टूथपेस्ट आपके डेड स्किन को रिमूव करने में हेल्प करते हैं। आलू आपके जो बहुत हार्ड स्किन होता है, जो कॉर्निया के नाम से जाना जाता है, वो रिमूव करने में हेल्प करते हैं। आपको स्किन को मॉइस्चराइज करते हैं, आपकी स्किन को रीजेनरेट करते हैं। और हानि में हानि जो है वो तो बहुत ही अच्छा है आपकी स्किन के लिए, वहाँ पे एंटीसेप्टिक एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी है। और हानि बहुत सारे ब्यूटी प्रोडक्ट्स में भी मिलते हैं, हानि आपकी स्किन को मॉइस्चराइज करते हैं। मैंने बनाया ये सारे जगह पर लगाना जहाँ जहाँ आपकी ज़रूरत है। मैंने तो पैर के ऊपर भी लगाया क्योंकि ये बहुत ही अच्छे है स्किन के लिए। उसके बाद आप कॉटन की सॉक्स पहन के आधा घंटे बैठ सकते हो या सॉक्स के बिना भी बैठ सकते हो। फिर ठंडे पानी से वॉश कर लेना। और ये अच्छे हैं अगर रात को आप करोगे सोने जाने से पहले, फिर सोने जाने के टाइम पे सॉक्स पहन लेना कॉटन की, और सुबह उठ के देखना आपके पैर कितने अच्छे मुलायम हो जाएंगे। ये आप तब तक ट्राई करो जब तक आपको रिजल्ट ना मिले, बट आई एम श्योर कि आपको जल्दी रिजल्ट मिल जाएंगे। और हम नेक्स्ट टाइम मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। आप लोग अच्छे रहना, स्वस्थ रहना। बाय बाय, टेक केयर।